बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डी टीचर्स, आज हम गोहर साइंस क्लास 4 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। टीचर्स, हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट के माइंड में एक कंसेप्ट बिल्डअप करने जा रहे हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन हो रही है और किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफर करता है, यानी कि क्या फ़र्क है एक एलिफेंट में और एक स्नेक में। इसी तरह से प्लांट्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्लियर कट कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि क्या फ़र्क है एक फ्लावरिंग प्लांट में और एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट में। इसके लिए आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना है डाइवर्सिटी के बारे में। स्टूडेंट्स को आप बताएंगी कि वैरायटी क्या होती है, हमने क्यों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, हमने क्यों उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्यों उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, इसकी क्या वजह है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट को बताना है कि प्लांट्स को किस तरह से हमने ग्रुपिंग में डिवाइड किया है। इसके लिए आप स्टूडेंट्स को फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का डिफरेंस बताएंगी। आप क्लास के अंदर एक फ्लावरिंग प्लांट्स लेके आ सकती हैं, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लेके आ सकती हैं। स्टूडेंट के सामने आप ये कंसेप्ट दिखाएंगी, प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर है वो फ्लावरिंग प्लांट है और ये प्लांट जिसके ऊपर फ्लावर नहीं है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को उन्हीं फ्लावर्स के, उन्हीं प्लांट्स के पार्ट्स भी बता दें, उनके ऑर्गन्स भी बता दें और उनके ऑर्गन्स का फंक्शन भी बता दें। जब आप ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करवा लें, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का डिफरेंस बताएंगी। आप स्टूडेंट्स को बताएंगी कि वर्टिब्रेट्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को हमने किस बेस पे ग्रुपिंग में डिवाइड किया है। साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को उनके उनकी प्रॉपर्टीज, उनके करैक्टर्स भी बताएंगी कि वो बाकी सब ऑर्गेनिज्म से कि वो एक दूसरे से क्यों डिफर करते हैं। इसके साथ ही आपने क्या करना है, डाइवर्सिटी को कंप्लीट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपने स्टूडेंट्स को ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाना है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना है, जैसे कि टीथ, बोन, लंग्स, स्टमक, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं आप स्टूडेंट्स को बताएंगी, इंटरेस्ट डिवेलप करेंगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती हैं, स्टूडेंट से पूछ सकती हैं कि हमारा खाना किस तरह से हजम होता है, कौन सा ऑर्गन है जो हमारी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा ऑर्गन है जिससे हम सांस लेते हैं, कौन सा ऑर्गन है जो हमारा ब्लड जो है वो प्योरीफाई करता है। जब आप इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर इन कंसेप्ट्स का पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स के पास किस किस चीज़ का कितना कितना कंसेप्ट है। उसके बाद आप स्टूडेंट्स के माइंड में अपना कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगी कि ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑर्गन्स का सिस्टम किस तरह से काम करता है। साथ ही साथ आपने प्लांट्स के ऑर्गन्स के बारे में भी बताना है और जब आप ये सब कुछ करवा लें तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट भी इंट्रोड्यूस करवाना है। आप ये तमाम टॉपिक्स पढ़ाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा सकती हैं। आप स्टूडेंट से कह सकती हैं कि वो अपने घर से अपने जो छोटे छोटे टॉयज़ इस्तेमाल करते हैं, आजकल स्टूडेंट्स के पास, आजकल बच्चों के पास छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं जिसके अंदर जिराफ, एलिफेंट, एलिगेटर, लॉयन, स्नेक्स, इस तरह के टॉयज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स के पास मौजूद होते हैं। तो आप स्टूडेंट से कह सकती हैं कि वो अगर टॉयज़ अपने घर से ब्रिंग करके लाएंगे तो आप उनके सामने स्टूडेंट्स को उसमें से वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को डिफरेंट करके दिखा सकती हैं और बता सकती हैं कि इनको हमने बैकबोन की बेस पे, बैकबोन के करैक्टरिस्टिक्स की वजह से, एक बैकबोन का जो हमारा ऑर्गन है उसकी वजह से हमने इसको डिफर किया हुआ है। साथ ही साथ आप प्लांट्स के ऑर्गन सिखा सकती हैं। जब आप स्टूडेंट्स को प्लांट्स के ऑर्गन सिखा लें तब स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दें कि उन्होंने अपनी अपनी साइंस की कॉपी पे प्लांट को ड्रॉ करके लाना है, उसका स्ट्रक्चर बना के लाना है, उसके ऑर्गन्स लिखने हैं और उन ऑर्गन्स के बारे में
थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, ब्रीफ एक्सप्लेन करना है कि लेट सपोज कि कार्पल है तो वो क्या करता है, ओवरी है तो वो क्या करती है. आप स्टूडेंट्स को डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा फ्लो, एक बहुत ही अच्छा सा चार्ट बनाकर दिखा सकती हैं या एक मॉडल बना सकती हैं. स्टूडेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व करें क्लास में, बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी का एक मॉडल जो है वो प्रिपेयर करें जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताएं और हर स्पीशी का करेक्टर बताएं कि उसकी क्या खासियत है और वो किस तरह से दूसरों से डिफर करती है. उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो लेसन से बहुत हेल्प मिलेगी. लेकिन इसके अलावा आप गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर मौजूद स्कीम ऑफ स्टडी और लेसन प्लान की मदद से अपनी टीचिंग स्किल्स को और बेहतर बना सकती हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.